क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को देखने के बाद? मूवी को देखने के बाद हमें मालूम चला है कि इसलिए क्या थी, हमें हिस्ट्री में कुछ और पढ़ाया जा रहा है मूलों के बारे में, हमें हमारे देश के बारे में, हमारे सारी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम। और एक कतलेआम आपको कैसा लग सकता है? पूछना चाह रहे हैं कतलेआम कैसा हो सकता है? हमें चाहिए अखंड भारत। बहुत देखने लायक फिल्म है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर देखिए, कुछ भी हो इस फिल्म को जरूर देखिए, और हमारा अपना जो कुछ भी हमने खोया है उसको देखिए, आप कोई बिना नहीं जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा, जरूर देखिए। खुद मैं 20 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मगर सवाल करके पहली बार मैं कांप रहा हूँ। मैं मनीष ठाकुर हूँ, आप इसे मनीष ठाकुर शो पे देखेंगे, मनीष ठाकुर शो पे देखेंगे। जो भी आदमी अपने देश से प्यार करता हो वो पिक्चर जरूर देखे, वो सच दिखाया है हर एक भारतीय को जरूर देखना देखना बिल्कुल देखना। सबसे पहले तो मैं शुभकामना है जो निर्माता है उनके देश का, बात एक मूल्य है कि सरकार देखिए ज़्यादा मूल्य है कि है, बट इसके लिए खूबसूरती से बनाना मतलब आप फिल्म मेकिंग की टेक्निक से बात करें, डायरेक्शन से लेकर एडिटिंग से लेकर सिनेमाटोग्राफी इतनी टॉप क्लास है कि एक मतलब मास्टर पीस बोलूँगा मॉडर्न सिनेमा का, प्लस डायरेक्शन में वे मतलब लेजेंडरी डायरेक्शन में इंडियन डायरेक्टर्स, उनका नाम आशीष भाई फिल्म का, बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन सबको इस फिल्म को बनाने के। आपने मैम देखी फिल्म? फिल्म देखी अभी आपने? नहीं देखी। आपने देखी? क्या कहना चाहिए इस फिल्म को देखने के बाद? साल जर्नलिज्म करने के बाद आज पहली बार किसी से सवाल करते हुए मेरे पांव कहां पर हैं। कुछ और व्यूअर्स हैं जिसे जिन्होंने देखा है, मैं चाहूंगा कि उनसे भी आपकी बात कराऊं। तो आपको कैसी लगी ये फिल्म? फिल्म तो मतलब आंखों में आंसू आ गए, इतनी बेहतरीन फिल्म, और ये सच्चाई मैंने बहुत कुछ तस्वीर के बारे में देखा है जाना है, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब विभत्ता हुई है वहाँ कश्मीर में, इतना कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ है, मतलब सचमुच मतलब हर भारतीय को, हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए। और कैसे शिक्षण संस्थाओं में गलत यूथ जो है, भारत के जो यूथ है उनको बदलाया जा रहा है, उनको गलत चीज़ें बताई जा रही है, समझाई जा रही है। फिल्म देखिए कैसे है, बढ़िया बढ़िया जी। वो सबसे बड़ी मतलब एक मतलब दिल दहलाने वाली बात है, ये हर यूथ को ये देखना चाहिए, हर महिला को देखना चाहिए, हर पुरुष को देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। आपने मैम देखी है फिल्म? जी पर पूछिए कैसी लगी मैम फिल्म? जो हुआ हमारे साथ वही दिखा है। वही दिखा है। हाँ जी। आप कश्मीर से हैं? पिछले दिनों तक छुप पाया गया, आप लोग को लग रहा है कि दर्द जो है अपनी पीड़ा पब्लिक के सामने आ गई। जी 20 साल तक मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया है, लेकिन कभी भी किसी से सवाल करते हुए मेरे पांव नहीं कांपे थे। आज इस फिल्म को देखने के बाद सवाल करते हुए एक जर्नलिस्ट के रूप में मेरे पांव कांपे हैं। फील्ड की रिपोर्टिंग के इतने सालों तक, सच है कि इस फिल्म को देखने के बाद इतनी बार भावुक हुआ, और सच ये है कि आज जर्नलिस्ट होने की मुझे पीड़ा हो रही है कि मेरे पेशे के लोगों ने कितना बड़ा पाप किया है, कश्मीर के संग कितना बड़ा पाप किया, इस देश के साथ। आप हर में से हर किसी को, जिस किसी ने इस फिल्म के प्रमोशन को रोका है, इस देश की जनता अब उसका प्रमोशन करेगी, इसलिए कि न सिर्फ कश्मीर के लिए,
भारत में फिर दूसरा कोई कश्मीर ना बने, इसके लिए आपको हम सबको इस फिल्म को देखना।